स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन, और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे कैंडी पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को। अब इस लेआउट में हम देखेंगे ब्लीड, इनर मार्जिन, जॉइंट स्पेस और क्रॉप मार्क, इन सभी चीजों को क्रिएट करेंगे, डिटेल में समझेंगे। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि प्रिंटिंग के लेआउट के साथ साथ आप डिजाइन कैसे कर सकती हो। उसमें हमने एक कैंडी पाउच के प्रिंटिंग के लेआउट भी क्रिएट किया था और डिजाइन भी किया था। अब एक ही वीडियो में मैंने दोनों चीजों को बताया था। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी इसलिए कुछ चीजों को मैंने स्किप भी कर दिया था। अब बहुत से सब्सक्राइबर थे जिनको कंफ्यूजिंग आ रही थी कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से वीडियो बनाया जाए और इसको आपको अच्छी तरह से मैं समझा दूं। तो आज मैं सिर्फ कैंडी पाउच के पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को ही समझाने वाला हूं, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से होगा जी कैंडी पाउच का पैकेजिंग, ठीक है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, साथ में आपको जॉइंट स्पेस भी मिलेगा। जॉइंट स्पेस ऊपर और नीचे भी होता है जो कि जुड़ के पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये है जी 4 ग्राम का पैकिंग, और 4 ग्राम का पैकिंग के लिए हमने ये साइज लिया है। अगर बिगनर हो तो यही साइज आप लेके चलना, और प्रोफेशनली काम करोगे तो आपका क्लाइंट ही आपको साइज देगा, ठीक है जी। अब 4 या 5 ग्राम के लिए ये आप साइज लोगे, ये हमारा एक्चुअल साइज। साथ में हमने इंक्लूड किया है जॉइंट स्पेस को। जॉइंट स्पेस को आप अलग से भी ले सकते हो या फिर एक्चुअल साइज के साथ भी एड करके आप एक प्रिंटिंग का लेआउट क्रिएट कर सकते हो। अब 4 या 5 ग्राम के अलावा भी इससे थोड़े से बड़े भी आते हैं कैंडी, जो कि 7 ग्राम या 8 ग्राम के होते हैं। उनका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन तरीका यही होता है बनाने का, ठीक है। उससे बड़ा अगर चले जाए तो 10 ग्राम 12 ग्राम और 15 ग्राम का होगा, वो एक लॉलीपॉप साइज में आ जाएगा। उसमें साथ में स्टिक भी होता है और उसकी वजह से जो उसका पैकिंग है वो थोड़ा सा लंबा या बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसको अलग किसी और वीडियो में मैं समझा दूंगा कैसे उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस किया है जॉइंट स्पेस को, ठीक है। ये 0.3 का जो आप देख रहे हो ये है जी जॉइंट स्पेस। अब यहाँ पे विड्थ में हमने लिया 5 सेंटीमीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर, और टोटल हम लेंगे यहाँ पे 5.3 सेंटीमीटर विड्थ में। उसी तरह से हाइट में हम लेंगे 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला हम साइज लेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं और फिर ये वाला साइज हम लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आगे जी हम यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में, और प्रीसेट डिटेल्स में नेम देंगे। मेरी याद आता था जी, मैं नेम जरूर देता हूँ, कैंडी पैकेजिंग लेआउट, ठीक है जी। नेम कुछ भी आप दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट आपने जो भी सेलेक्ट करना है, जिसमें भी देखना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सेंटीमीटर में देखना पसंद करता हूं तो मैंने सेंटीमीटर में देख ले लिया है। अब नीचे आ जाए तो ओरिएंटेशन हमेशा याद रखिए पोर्ट्रेट में ही लिया जाता है। अब बहुत से सब्सक्राइबर ने ये कहा है कि सर ये आपने वर्टिकली क्यों बनाया, इसको हॉरिजॉन्टली नहीं बना सकते हैं। अब बनाने को बना सकते हो लेकिन बाद में आपको डिजाइन करने में तो दिक्कत आ जाएगी। प्रिंटिंग का लेआउट आप कैसे भी बना लो लेकिन बाद में जब आप डिजाइन करोगे वहां पे आपको तिरछा नजर आएगा। तो हमेशा जब आप प्रिंटिंग का लेआउट क्रिएट करते हो तो कोशिश कीजिए कि उसको वर्टिकली बनाइए, ठीक है जी। तो इसको मैंने ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में लिया है, और साइज जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला हम साइज लेंगे। विड्थ में 0.3 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, और 5.3 सेंटीमीटर, और हाइट में हम लेंगे 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये वाला हमने साइज ले लिया है। आर्टबोर्ड को एक ही रहने देंगे। ब्लीड हम ले लेंगे जी, ब्लीड को लिया जाता है 0.3 सेंटीमीटर में,
तो 0.3 सेंटीमीटर काफी होता है। अब 0.3 सेंटीमीटर ना लेना चाहो तो 0.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। जितना ज्यादा ब्लीड लोगे वेस्टेज उतना ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लीड कट के निकल जाता है, कटिंग में निकल जाता है। अब बहुत ज्यादा ब्लीड भी लेना बेकार होता है, इतना ब्लीड भी लेना सही नहीं होता है। तो 0.2 सेंटीमीटर काफी होता है, नहीं तो आप 0.3 तक जा सकते हो। तो क्योंकि पाउच बहुत छोटा है इसलिए मैंने ये कम लिया है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, चारों में आ जाता है। उसके नीचे आ जाए तो एडवांस ऑप्शन में CMYK का कलर मूड ले लीजिए और रास्टर इफेक्ट में 300 PPI लेके क्रिएट कर दीजिए। तो ये आ गया जी हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। और ये है जी हमारा ब्लीड, ये रेड कलर का जो चलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये है जी ब्लीड। अब ब्लीड के ऊपर एक रेक्टेंगल को पहले हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, जब भी आप प्रोफेशनली डिजाइन करोगे तो हमेशा CMYK मूड को ही लेके चलना। मैं प्रिंटिंग के लिए नहीं बना रहा हूं इसलिए मैं HSB ले रहा हूं, ठीक है। मैं इसको ब्लू या फिर ग्रीन या व्हाटएवर जिसमें भी करना हो आप कर सकते हो, ब्लू में ही कर देते हैं इसको थोड़ा सा लाइट करके, ठीक है जी। अब ये हो गया जी हमारा बैकग्राउंड, ये जितना आपका ब्लू दिख रहा है ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब आ जाते हैं जी एक्चुअल साइज में, ठीक है। एक एक्चुअल साइज लेंगे हम, तो उसके लिए इसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। अब याद रखिए हमने ब्लीड कितना लिया था, 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर देंगे -0.2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा एक्चुअल साइज, इसका कलर मैं चेंज कर दूं तो ये हो गया जी हमारा एक्चुअल साइज। ऑलराइट, तो अब हम क्रिएट करेंगे जॉइंट स्पेस। जॉइंट स्पेस याद रखिए एक्चुअल साइज के अंदर आता है। जॉइंट स्पेस कभी भी आप क्रिएट मत करना ब्लीड से, एक्चुअल साइज से अंदर की तरफ 0.3 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको दिखाया था 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला साइज लेंगे, इस पिंक वाले को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ, और यहाँ पे -0.3 सेंटीमीटर हम लेंगे। प्रीव्यू में आपको दिखा दूं, ये आ गया जॉइंट स्पेस। ये आपको जितना भी नजर आ रहा है ये जॉइंट स्पेस है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, इसका कलर चेंज कर देता हूं और ये हो गया जी हमारा, ठीक है जी। अब इसके बाद हम चाहें तो इसमें इनर मार्जिन भी क्रिएट कर सकते हैं, पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि इतने छोटे पैकेजिंग में इनर मार्जिन आप नहीं भी क्रिएट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं होता है इतना छोटा पैकिंग में। तो फिर भी अगर आपने क्रिएट करना है तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लेना है इनर मार्जिन। इनर मार्जिन को 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.2 सेंटीमीटर से ज्यादा कभी मत लेना, क्योंकि फिर आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो मैं ये कर रहा हूँ जी आपको सिर्फ दिखाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ कि इसी को सेलेक्ट करेंगे, इस ग्रीन वाले को, और ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ और ऑफसेट पाथ को लेकर इसमें -1 सेंटीमीटर हम कर देते हैं इनर मार्जिन के लिए, ठीक है जी। इस इनर मार्जिन को ऐसे ही नहीं रखना, इसको गाइड में बदल देना, राइट क्लिक करके मेक गाइड्स कर देंगे। तो ये आ गया जी हमारा गाइड्स में बदल के, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद जी मैं आपको दिखा दूं कि ये पहले तो मैं इनको सेलेक्ट करके मैं इनको स्ट्रोक को खत्म कर देता हूं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। अब हम क्रिएट करेंगे ट्रिम मार्क। ट्रिम मार्क के लिए ये जो हमारा एक्चुअल साइज वाला है पिंक वाला, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है। अच्छा, बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये सर इनर मार्जिन अंदर की तरफ क्यों आ रहा है। भाई अंदर की तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप हमेशा इनर मार्जिन एक्चुअल साइज में ही क्रिएट करोगे। इनर मार्जिन कभी भी ब्लीड से स्टार्ट नहीं होता है, एक्चुअल साइज से। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और क्रिएट ट्रिम मार्क कर देंगे, ठीक है जी। मैं आपको दिखा दूं, ये आ गया आपका ट्रिम मार्क, राइट। अब इसको हम डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए जी इस ब्लू वाले को, याद रखिए जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो ब्लीड तक हमारा बैकग्राउंड जा रहा है उसको हमने सेलेक्ट करना है। इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, मैं एडिट में जाके कॉपी कर रहा हूँ, फिर एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट कर रहा हूँ। अब इसको ऊपर लेके आएंगे, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको हाफ कर देंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट है, यहां तक इसको पकड़ के लेके आना है, यहां से पकड़ेंगे
और जब ये सेंटर आपको दिखाए, ये देखिए सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। अब इसको अलाइन करेंगे ब्लू वाले के साथ, ठीक है जी, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये जो येलो वाला है इसको भी हम गाइड्स में बदल देंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक गाइड्स में बदल देंगे, तो ये डिवाइड हो जाता है। ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, देखिए ये वाला, ये हो गया फ्रंट साइड, और ये जो दो बैक साइड है ये ऊपर और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी। और ये जो आपका वो पिंक दिखाई दे रहा है ये जॉइंट स्पेस है। अब इसको ऐसे ही नहीं रखना है, चाहो तो इसको आप राइट क्लिक करके गाइड्स में बदल दीजिए, ठीक है जी। इसको भी मैंने गाइड्स में बदल दिया है, और इसको भी चाहो तो आप गाइड्स में बदल दीजिए, राइट क्लिक मेक गाइड्स कर दीजिए, ठीक है। आपको ये अंदाजा रहेगा कि ये हमारा जॉइंट स्पेस हो गया, और ये हमारा ब्लीड हो गया, और ये हमारा इनर मार्जिन हो गया, राइट। तो कुछ इस तरह से। अब मैं बैकग्राउंड को कलर में नहीं रखता हूँ, किसी भी कलर में नहीं रखना चाहिए इसको हमेशा। जब भी इसको टेम्पलेट वगैरह अगर बनाकर भी आप सेव करके रखना चाहते हो, अगर इसी साइज में आप बार बार डिजाइन करोगे तो बार बार ये लेआउट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको टेम्पलेट में सेव करके रखिए, फाइल में जाइए और सेव एज टेम्पलेट कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। लेकिन सेव करने से पहले बैकग्राउंड को वाइट रखना जरूरी है, ठीक है जी। इसको वाइट में ही रखा कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नया ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।